रहे चिरुन? अवनी क्या आई? अरे वो छोड़, वो सब काम छोड़, मैं मनोहर को बता। अरे आई जब तक वो करेगा तब तक अदिति की शादी का समय आ जाएगा। ऐसी बात मनु मैं बताऊंगी मनु को, वो कर लेगा, वो तू छोड़। आई चेहरा देखा, अच्छा सा उपटन बना है, लगा ले। चल आई तू ही लगा ले, तेरा चेहरा देख उतर गया घबराहट के मारे। छोड़ ना, दो चार फूल कम लग जाएंगे, चलेगा, मैं बताऊंगी मनु। आई ठीक है, मुझे हाथ का काम निपटा लेने दे, मैं आती हूँ। तू भी ना मेरी बात सुनेगी नहीं, जल्दी आना। वहिनी जरा बगा ना, ये सब बरोबर है? हाँ ठीक है, अवनी पेड़े क्यों नहीं ला, वो रख देंगे। चल हाँ बाकी हाँ वो ए मनु जल्दी कर, हो गया कि नहीं तेरा? बस लाइट ठीक करो, अभी आ रहा हूँ। चल जल्दी कर, वो लोग आते ही होंगे। चलो किचन का काम खत्म हो गया, अवनी किधर है? अवनी बस आती ही होगी, पेड़े आना है इतना, इसलिए बाहर गई है, सामान लाना है कुछ। अरे देवा, मतलब मंगनी के दिन ही लड़की को भेज दिया सामान लेने? ये मन और क्या कर रहा था, उसको बोलना था ना। काम तो कर रहा हूँ। अरे नीब संगीत लो तो बोला था मैंने, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे काम है, तो मनु बोला कि मैं यहाँ के काम निपटा लेता हूँ। टाइम वेस्ट करना भी एक काम ही तो होता है ना। दुकान में जाने को बोला तो घर पे बैठ के बल्ब ठीक कर रहे, दिमाग का बल्ब जलाने बोलो उसको पहले। अदिति ये तरीका है बात करने का, कुछ भी बोलती रहती है। चल काम कर जा। जाऊ देगो लो, अवनी आ गई। जा बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। हाँ आई क्या हुआ? सारा काम तुझे ही करना पड़ रहा है, बाबा नहीं है ना तेरे, मंगनी के दिन भी। आई मैं बाजार सामान लेने गई थी ना, कौन सा किसी जंग पर गई थी, और ये क्या तू बात बात में इमोशनल हो जाती है। चल आंसू पोछ। अरे आदत रे आदत, देख कावेरी बच्ची सही कह रही है, इतने शुभ मौके पर रोना अच्छा नहीं होता। चल काम को लग। और क्या, और सारे आंसू आज ही बहा देगी तो फिर विदाई के समय क्या करेगी? सब कहेंगे माँ को देखो बेटी की विदाई हो रही है और उसे कोई दुखी नहीं है। चुप कर, कुछ भी मजाक करती रहती है। अब बस करो वहिनी, और आंसू मत बहाओ, आज खुशी का मौका है ना, तो सब लोग खुश रहेंगे। हाँ तू क्या देख रही है, जा जल्दी से तैयार हो जा। हाँ आई मुझे 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ मुँह हाथ धोना है, साड़ी तो बदलनी है। बकशी करते, सुबह से बोल रही हूँ उपटन लगा ले, मिन्नतें करनी पड़ती है, सुनती नहीं मेरी बात। अब तू ही बता ले, सगाई में कोई ऐसे ही बैठ जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। और आज अगर ये बात मिस सिंपल को अगर समझ नहीं आई ना, तो मैं अपनी उंगली टेढ़ी करने को भी तैयार हूँ। हे देवा, और तू आज जल्दी कैसे आ गई? आई ऑफिस रोज इतना देर से पहुँचती है। क्योंकि ऑफिस की मैं एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मेकअप का कोर्स मैंने फर्स्ट क्लास पास किया है। चल अब कुछ मिनटों तो मेरे हवाले है। क्या कर रही हो तुम दोनों, जल्दी से इसे पकड़ लो, क्योंकि मुझे कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी ताकि हम इसका चेहरा रगड़ सके। आप देखना इस उपटन का कमाल। बस भी हो गया, अब निकाल ले इसे। बस अब 5 मिनट, बहुत अच्छी लगेगी तू, हो गया ना बस। अरे ऐसे कैसे हो गया अपनी ताई? अरे आज तो तुम्हारी सगाई है, और जब तक तुम्हारे चेहरे पे पूरा रंग निखर कर नहीं आ जाता, तब तक हम सब आपको उठने नहीं देंगे। ये गौरी है, मेरी काकी की बेटी। किधर थी तू? सॉरी आई, वो क्या है ना, इतना सब सामान लाने में मुझे देरी हो गई। अरे कोई नहीं, ये तो और भी अच्छी बात है, अपना एक और वॉलंटियर जो जुड़ गया, अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता अवनी। और वैसे भी इसे तो पूरे 20 मिनट रखा जाता है, अभी तो सिर्फ 15 मिनट और 5 सेकंड हुए, सो प्लीज वेट। और वैसे भी ताई तू ना इस उपटन में बहुत सुंदर लग रही है ना मौशी। माना अवनी तू ऑफिस के कामों में मुझसे बहुत स्मार्ट है, लेकिन सजने संवरने के मामले में मैं एक्सपर्ट हूँ, सो प्लीज हाँ नो आर्ग्यूमेंट। राइट। और ताई तू ना सगाई में इतनी सुंदर लगना कि जीजू ना जिद पकड़ ले कि आज ही सगाई
और आज ही शादी। अब ये नेकलेस मेरी अवनी की सुंदरता पे चार चांद लगा देगा। काकी, इसकी क्या जरूरत है? जो गहने हैं वो काफी है ना? अरे कुछ काफी नहीं है अवनी, तू दुल्हन बनने वाली है, तुझे पता है ना, दुल्हनों को तो गहनों से लदा होना चाहिए। तो चिंता मत कर, मैं और भी गहने लेकर आई हूँ अपने लॉकर से। क्या हुआ अवनी, तुझे पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं काकी, बहुत सुंदर है। पर क्या अवनी? काकी मैं इतने कीमती गहने पहनूंगी तो उन लोगों को ऐसा ना लगे कि ये सब मेरे हैं, गलत फहमी हो जाएगी तो बाद में जाके दिक्कत होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो भले लोग हैं, पता है अवनी? हाँ काकी, वो बहुत भले लोग हैं, पर झूठा इम्प्रेशन क्यों देना? और फिर आगे चलकर वो परिवार मेरा ही होने वाला है, तो फिर ये सब दिखावा किस लिए? काकी मुझे पता है, तू ये मेरे लिए बहुत प्यार से लेकर आई है, और मना करते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं समझती हूँ अवनी, पर तुझसे एक बात कहूँ, जब कोई लड़की दुल्हन बनती है ना, तो उसे सबसे ज्यादा फिक्र किसकी होती है? उसके श्रृंगार की। पर मुझे खुशी है कि मेरी अवनी को श्रृंगार से ज्यादा अपने संस्कार याद है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग बस आते ही होंगे। नमस्ते नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, वेलकम। नीता, हाँ या वड़ा, समोसा और जो भजिया है वो भी सब लेकर आ जाऊँ क्या? हाँ हाँ सब लाओ, जो भी बने सब लाओ। लगता तैयार है जी। अवनी बस तैयारी हो रही है, आप नाश्ता कर लीजिए फिर रस्में शुरू करते हैं। अरे ऐसा कैसे शुरू करेंगे, हमारा जमाई कहाँ आया है? इतना बड़ा शगुन है, उसके बिना कैसे करेंगे? जी ठीक है मतलब मेरा जमाई आने वाला है, पता है ना तुम्हें? जमाई सबसे खास होता है, जैसे हमारा भास्कर तुम्हारे लिए, वैसे हमारा प्रभु हमारे लिए। हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए जमाई के सामने, पहले ही बोल देती हूँ। हाँ जमाई रूठ जाए तो बने बनाए रिश्ते भी टूट जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, समझने वाले को इशारा काफी होता है। सब इंतजाम ठीक है ना? जी जी सब इंतजाम कर रखा है, आप चिंता मत कीजिए, जमाई जी के लिए तो हमने खास तैयारियां की है। आप तो समझ सकती हैं, जमाई है ना, ख्याल रखना पड़ता है। जी आई, काय बात है, आज तो प्रभु के लिए बहुत अच्छा अच्छा बोल रही है। झूठ बोल रही थी, घर जाके गंगा जल से कुल्ला करूंगी। अब फिर इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है, जैसे तुझे बहुत फिक्र है उसकी। मुझे तेरे नालायक पति की फिक्र नहीं है, पर इन लोगों को शुरू से ही दबा के रखना पड़ेगा। अब भास्कर इनका जमाई है तो
तो शुरू से भास्कर का रॉब बनाना पड़ेगा ना। लता, अच्छे काम के लिए आई हो, जरा अच्छे मन से रहो ना, प्लीज। आप चुप रहिए तो ही अच्छा है। आप जैसे लोगों की वजह से ही लड़की वाले लड़के वालों के सर बैठते हैं, फिर मैं इन्हें सर चढ़ने नहीं दूंगी। भाई, तू भी आते शुरू हो, कितनी बार तुझसे कहा है कि अभी हमें बैक फुट पे खेलना है। पता है रे, मैंने भी क्रिकेट देखी है, मैं तो सिर्फ पिच तैयार कर रही थी। बैटिंग तो तुझे ही करनी है ना। क्या चल रहा है तेरा? ये प्लेट दे क्या? चल 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 जल्दी चल, काम नको करा लतीला। पुरतिल ने उड़े? आप जाइए ना, मेहमानों के साथ बैठ जाइए। पहले पकने तो दे। मेहमानों के साथ क्या, मैं मेहमान हूँ क्या? मेहमानों के साथ जाने के लिए क्या काम है? नहीं नहीं दीदी, अब हम लोग कर लेंगे। ये देख, मेरे आउनी की सगाई है, मुझे काम करने से कोई नहीं रोक सकता। आबा जी वौशी, वो प्लेट लेके जा बेटा। हाँ हाँ। देख, गुलाब जाम हो रहे और वड़े का सामान भी तैयार है। तू टेंशन मत लिया कर, सब काम मैं करने के लिए है ना इधर। क्या तू भी उदास क्यों हो रही हो? वो तुझे पता है ना, भास्कर की आई वो जो कह रही है वो जो कह रही है वो सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या है उनके मन में। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी थी तो मैंने अपने हिसाब से शगुन के लिफाफे तैयार किए और तो कुछ। सब हो जाएगा ना, एक काम कीजिए, आपने जो लिफाफे तैयार किए हैं ना वो मुझे दे दीजिए। नहीं, ये क्या कर रही है तू? लड़के वालों को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, दीजिए। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। अच्छा सच, ये सही बात है, मुझे कुछ क्यों करने देगी आप? अवनी मेरी बेटी थोड़ी है जो मैं मेरे मन का करूं। लेकिन जब मेरी बेटी की शादी होगी ना तो मैं भी आपको कुछ करने नहीं दूंगी, देख लेना। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं लगता ना। तो फिर मुझे मेरे अरमान पूरे करने दो ना वहीनी, मैं अपनी अवनी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो लोग हमसे और हमारी अवनी से खुश रहे। आप भी तो यही चाहते हो ना? हाँ, वो तो है, लेकिन तो फिर बस आज के दिन आपका ध्यान सिर्फ अवनी पे होगा और बाकी सारी चिंता आप हम पे छोड़ दो। आशा है ना मौसी? ठीक नहीं है। अरे मन्नू, ये सब उठा ले। कितना इंतजार करें तेरे पति का? आई बस में शुरू कर ही देते हैं। क्यों, तुम्हारी ट्रेन छूट रही है क्या? और अगर वो आ भी गया तो इनकी दर में कौन सा पुरुष बैठा है जो सारी रस्में पूरी करेगा? अरे हमारा भाई है ना मन्नू। अरे वो तो अभी बच्चा है, वो क्या करेगा? आपके पति नहीं आए? जी वो आ रहे हैं, बस पहुंचते ही होंगे। सब मेरे पीछे पड़े। अंजू तुझे नौरा नहीं आला, तुझे नौरा नहीं आला। अगर वो आ भी जाता तो क्या, लड़की के काका ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मीटिंग में थोड़े बिजी थे ना, बस इसलिए। हाँ, सबके पास काम है, फक्त माजाज नौरा भुकट है। अरे ऐसे किसने कहा? मैं काम करती हूँ, मैं उन्हें कहती हूँ कि जल्दी आने के लिए। हाँ एक मिनट मनु, चल हम चाय लेकर आते हैं। क्या गलत कहा उसने? तेरा पति है ये फोकट का। आई,
इन लोगों को थोड़ी ना पता है। वैसे इतनी जल्दी क्या है, मतलब थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। पिता की बात तो काका ही होते हैं, वही आके रस्में पूरी कर लेंगे। अगर किसी मीटिंग में फंस गए होंगे। अरे देवा, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। पंडित जी ने बताया था लड़की के पिताजी ने। मंजीत नहीं है, मतलब गुजर गए क्या? हाय बाबा। अदिति तू बोलना, तुम्हारे पापा गुजर गए हैं क्या? का है बाबा, पूछना तो पड़ेगा ना, अब नहीं है मतलब बोलना। अगर बोल सूत्र, गजरा, काजल, हरी चूड़ियां, ये सब क्यों पहनती है? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।